नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय देव भय सगरे ब्रज बनिता सब देव
अधूरे वेद बारिसो विनय करत सब वेद बारिसो विनय करत सब उच्चारण किरे ते नये रे उच्चारण किरे ते नये रे रात सके सपने में देखे रात सके सपने में देखे माया ब्रह्म योग जुत दिखे माया ब्रह्म योग युत दिखे मैं तन बिचय कर जीव रहे रे माया ब्रह्म योग जुत दिखे मैं तन बिचय कर जीव रहे रे राम कुआस एक जदुबर के राम को आस एक जदुबर के इतने में खुल आंख गए रे इतने में खुल आंख गए रे रात सखी सपने में देखे जसुमति सुत वृषभान लले रे रात सके सपने में देखे वेदुआवत जमुना तट सो मैं अपने घर सो निकसेरे ए वेदुआवत जमुना तट सो मैं अपने घर सो निकसेरे रात सके सपने में देखे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय गणेशाय नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः वैकुण्ठः केन दृष्टः श्रवणपथगतः केवलं भाति चित्ते तद्वृत्तीनां निरोधः सहजशयनवत् तत्र को वा प्रमोदः प्राक् प्रत्यग्भावमुक्तं तदिदमहमिति ब्रह्मपूर्णं न चान्यत् पूर्णानन्दोपदेशो दिशि विदिशि सदा मंगलम दे दिशी तो ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं दा जगद्धामनुवामत भवभयमपहन्तुं ज्ञान विज्ञान सारं निगम कृदुप जहरे भृंगवद वेद सारम अमृत मुदथितश्चा पाय यद भृत्य वर्गान पुरुष मृषभ माद्यम कृष्ण संज्ञम नतोस्मे
स्वसुख निभृत चेताः तद्व्युदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाजस्तत्वदीपं पुराणं तमखिल ब्रजिनघ्नं व्यासूनुं नतोऽस्मि ॐ। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सूर्योदय से जो आँख मिलती है, आँख में ज्योति आती है, वो बाहर की चीजों को दिखाती है, और संतों से जो आँख मिलती है वो भीतर की वस्तुओं को दिखाती है। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमें वच। संत ही देवता हैं, संत ही भाई बंधु हैं, संत ही आत्मा हैं और संत ही भगवान हैं। ये संत की कृपा प्राप्त होती है वैराग्यवान पर। वैराग्य का वर्णन पुरुरवा ने किया है। चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा जो जाकर इंद्र के सिंहासन पर बैठा करता था, उर्वशी जिसको भोग के लिए प्राप्त हुई थी, वो अंत में कहता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति और इतना भोग, पर मेरी दशा क्या हुई? तो मेरी दशा ये हुई कि चक्रवर्ती सम्राट और स्त्री के विभ्रमों से, नखरों से, उसके हाव भाव कटाक्ष से इतना मुग्ध हो गया कि उसके चरणों की धूल में लोटपोट होने लगा। कहाँ गया ऐश्वर्य, कहाँ गया वैभव, कहाँ गया अनुभव? ये मन का जो काम के वश में होना है, ये सबसे बड़ा विघ्न है। वो तो पकड़ गया, जिस विषय में उसकी कामना होगी उसकी लालच दे करके चाहे जो उसको अपने वश में कर सकता है। तो मनुष्य को काम से सदा सावधान रहना चाहिए, यही उसकी जान है, यही उसका प्राण है। यदि उसकी कामना कहीं गिरेगी तो उस वस्तु को पकड़ के लोग उसको पराधीन कर लेंगे। सदा काम से सावधान रहना चाहिए। वैराग्य के संबंध में भागवत की एक अनूठी दृष्टि है, खास करके श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं। संसार में गुण दोष तो बहुत हैं, किसी चीज में गुण दिखाई पड़ता है, किसी में दोष दिखाई पड़ता है। तो क्या ये निश्चित है कि अमुक वस्तु में गुण है, अमुक वस्तु में दोष है? तो अद्भुत है, ये दूसरे कहीं शास्त्रों में इस तरह का मिलता नहीं है जैसा श्री कृष्ण ने 11वें स्कंध में कहा। वो कहते हैं क्वचित गुणों पर दोषस्यात् दोषोपि विधिना गुणः। कहीं गुण भी दोष हो जाता है कि भाई बादाम खाने में बहुत गुण है, मलाई खाने में बहुत गुण है, लेकिन कभी वही रोग का कारण बन जाता है। दोषोपि विधिना गुणः, कोई चीज बहुत दोष वाली है, संख्या है, बच्छनाग है, विष है,
पर यदि किसी रोग में उसी का सेवन किया जाए तो वही औषधि बन जाती है, वो भी गुण हो जाता है। हमारे पुरानी जो चिकित्सा है उसमें एक सर्पदंश चिकित्सा का वर्णन है। एक खास तरह का रोग होता था, उसकी दवा क्या कि वो लोग सांप पालते थे और किस सांप के जहर में क्या गुण होता है, किस सांप के जहर में क्या गुण होता है इसका विचार रखते थे और उस रोगी के जीव पर उस सांप से डसवाते थे जिससे वो रोग दूर हो जाए। आज भी सांप के जहर से औषधि तो बनती ही है। तो जिसको दोष कहते हैं वो कहीं गुण हो जाता है, जिसको गुण कहते हैं वो कहीं दोष हो जाता है। तो भगवान ने ये बताया कि ये गुण दोष के लिए शास्त्र में नियम क्यों करना पड़ा, ये अद्भुत आश्चर्य की बात है। वो कहते हैं गुण दोषार्थ नियमः तद भिदा में बाधते। जैसे आग को छूने से आदमी जलता है तो शास्त्र में ये नहीं कहना पड़ता कि तुम आग को मत छुओ, क्योंकि वो तो शास्त्र में जब स्वतः ये बात सबको मालूम है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही ज्ञात है, तो उसमें शास्त्र को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं कि वो बतावे कि आग मत छुओ। वो तो जो बात प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से नहीं मालूम पड़ती उसको बताने के लिए शास्त्र होता है। प्रत्यक्षेण अनुमानेन यस्तुपायोन बुध्यते एतम वदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। तो भागवत का कहना यह है कि गुण और दोष के लिए नियम क्यों बनाना पड़ा कि ये गुण है और ये दोष है, और ये परस्त्री का स्पर्श मत करो, नारायण उच्छिष्ट मत खाओ, मगध देश में मत जाओ, प्रत्यंतम न गच्छेत, पड़ोसी जो देश हैं उनकी सीमा पर नहीं रहे, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र ने क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से इनमें जो दोष गुण हैं उनका पता नहीं चलता है। गुण दोषार्थ नियमः तद भिदामेव बाधते। ये जब नियम बनाना पड़ा कि ये करो और ये मत करो, तो यदि स्वाभाविक अग्नि से दाह के समान या विष से मृत्यु के समान या कांटे के गाड़ने के समान कोई स्वाभाविक वस्तु होती तो उसके लिए नियम नहीं बनाना पड़ता, पर नियम तो बनाना पड़ा। और तद भिदामेव बाधते, वस्तु दृष्टि से उसमें कोई भेद नहीं है, यही उसका फल निकलता है। अतएव गुण दोष दृष्टिर दोषो गुणस्तु है वर्जितः। यदि आपको वैराग्यवान होकर के रहना है तो गुण और दोष की दृष्टि छोड़ दीजिए। यदि आप किसी में स्वाभाविक गुण समझेंगे तो उससे राग होगा, और यदि स्वाभाविक दोष समझेंगे तो उसमें द्वेष होगा, और वो चाहे गुण वाले हों चाहे द्वेष वाले, आपके हृदय में जो उनके प्रति राग द्वेष आ जाएगा वो आपको बहुत ही कष्ट देगा। इसलिए वैराग्यवान के प्रति जो संत का उपदेश है वो नारायण तत्व विषयक होता है। वो किस घड़े का पानी पियो किसका मत पियो, शराब से घड़ा अशुद्ध होता है गंगा जल से शुद्ध रहता है, ये मत देखो। जिसको न शराब पीना है और न गंगा जल रखना है उस व्यक्ति के लिए ये बताया जाएगा कि ये घड़ा असल में मिट्टी है, छोटा होए बड़ा होए काला होए लाल होए गोरा होए, चार दिन रहे चार बरस रहे, मृत्तिका का बोध उसी व्यक्ति को कराया जाएगा। तत्वज्ञान जो है वो गुण दोष पर दृष्टि रहते नहीं होता है,
प्रयोजन बस तर्व ज्ञान नहीं कराया जाता है, नारायण जो सत्य के ज्ञान के लिए लालायित हैं उनके लिए होता है। तो इसलिए संपूर्ण वेदों का परम तात्पर्य ये क्या है, माम किम विधत्ते किमाचष्टे किमनुद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम् लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद किस वस्तु का विधान करते हैं, किस कर्म का विधान करते हैं, किमाचष्टे किस देवता का नाम लेते हैं, किमनुद्य विकल्पयेत किसका अनुवाद करते हैं, किसमें विकल्प उपस्थित करते हैं। ये जो श्रुति का हृदय है, ये जो ऋचा का अभिप्राय है, उसको मेरे सिवाय दुनिया में और कोई नहीं जानता है। कह दिया नान्यो मद वेद कश्चन मत मत्तः अन्य कश्चन न वेद, मेरे सिवाय वेद के तात्पर्य को और कोई नहीं जानता है। अच्छा बाबा तुम ही बताओ। तो बोलते हैं माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पूज्यते त्वहम् एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय माम विदाम माया मात्रमनुद्यान्ते प्रतिषिद्ध्य प्रसीदति। श्री कृष्ण ने बताया ये जितने विधान हैं ये मेरा विधान है, माने परमात्मा का ज्ञान जीवन में अवश्य प्राप्त करना चाहिए, इसी के लिए सारे विधान हैं। और इंद्र मित्र वरुण आदि जितने भी नाम हैं ये सब मेरे नाम हैं। माम विधत्ते विधत्ते माम, विधान भी उनका अभिधान भी उनका, विकल्प्या पूज्यते त्वहम, मुझ में ही विकल्प अध्यारोप किया जाता है और मुझ में ही अपवाद किया जाता है, अध्यारोप और अपवाद का स्वप्रकाश अधिष्ठान मैं ही हूँ। जहाँ वृत्ति का उदय होता है उसके पूर्व और उसके आधार के रूप से परमात्मा, और वृत्तियाँ बदलती हैं उनके आधार रूप से परमात्मा, वृत्तियाँ शांत होती हैं उनके आधार के रूप में परमात्मा, उनका प्रकाशक परमात्मा, और वृत्तियों के अत्यंताभाव का अधिष्ठान परमात्मा, वृत्तियों के उदय स्थिति विलय का प्रकाशक परमात्मा और नारायण, उस परमात्मा के अद्वितीय स्वरूप में दूसरा कोई है ही नहीं। एतावान् सर्ववेदार्थः, संपूर्ण वेदों का अर्थ बस इतना ही है, शब्द आस्थाय माम भिदाम माया मात्रम अनुद्य, ये शब्द मेरा आश्रय लेकर के, ये जो दुनिया में भेद मालूम पड़ता है, इंद्रियों के भेद से भेद है, मनोवृत्तियों के भेद से भेद है, रुचि प्रवृत्ति के भेद से भेद है, वस्तुतः भेद नहीं है, सारा भेद औपाधिक है। अगर इंद्रियां अलग अलग न होती तो शब्द स्पर्श गंध अलग अलग कैसे मालूम पड़ते। तो सारा भेद जो है ये माया मात्र है, जादू का खेल है, भेद से ही भेद मालूम पड़ता है, इंद्रियों के भेद से विषयों का भेद मालूम पड़ता है, अंतकरण के भेद से इंद्रियों का भेद मालूम पड़ता है, नारायण भेद से ही भेद मालूम पड़ता है। जो भेद के अभाव का अधिकरण है आत्मा, उससे भेद नहीं मालूम पड़ता है, ये तो सारा का सारा स्वयं प्रकाश एक रस अद्वितीय तत्व ही है। सो एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय माम, मेरा आश्रय लेकर के, वेदाम माया मात्र मनोदय, और भेद को केवल माया मात्र, जादू का खेल, जैसे कोई जादूगर अपने को अनेक रूप में प्रकट कर दे और असल में हो एक ही, ऐसे माया मात्र मनोदय अंते प्रतिषिध्य, और अंत में संपूर्ण भेदों का निषेध कर देता है, और तब प्रसीदति, प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न ही वेद का स्वरूप होता है। श्री शंकराचार्य भगवान ने तैतरीय उपनिषद के भाष्य में कहा कि प्रत्यक्ष चैतन्य से पृथक यदि वेद नाम की कोई वस्तु होगी तो वो अनित्य होगी,
अनात्मा होगी, इसलिए वेद माने मंत्रावच्छिन्न चैतन्य प्रत्यगात्मयी नारायण वेद है, इससे बढ़ करके वेद और कोई नहीं है, यही सर्वोत्तम वेद है नारायण। अब गुण दोष वाली जो दृष्टि है उसका निषेध करने के लिए 11वें स्कंध में परमार्थ निरूपण, मैंने बातें जितनी कही वो सब 11वें स्कंध की हैं नारायण। अब आगे वर्णन करते हैं कि परमार्थ क्या है, व्यवहार की रीति देखो। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत्, विश्वम एकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशुभ्रस्यते स्वार्थात् असत्यभिनिवेशतः। सबका अपना अपना स्वभाव पूर्व पूर्व संस्कार से बना हुआ है, कोई बिच्छू है डंक मारता है और कोई गाय है दूध देती है, ऐसी स्त्री का स्वभाव भी अलग पुरुष का स्वभाव भी अलग, जितना व्यक्तित्व है सबका अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है और सब लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार उनका भोजन होता है, अपने स्वभाव के अनुसार उनका शयन होता है, सबका अपना अपना स्वभाव है और उसमें सब उलझे हुए हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। अब न उनकी प्रशंसा करने की जरूरत। तो नारायण सुधा सराही अमरता, आपके पास अमृत आवे उसकी प्रशंसा करो कि इसकी गंध मात्र से ही मनुष्य अमर हो जाता है, और गरल सराही मीचू, और विष की सराहना भी कीजिए कि इसकी गंध से ही आदमी मर जाता है। ये दोनों अपने अपने गुण में परिपूर्ण हैं, अपनी अपनी विशेषता से युक्त हैं, उसकी किसी की निंदा भी नहीं करना प्रशंसा भी नहीं करना। क्यों? विश्व में एकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। प्रकृति की दृष्टि से देखो तब भी विश्व एक ही है, और पुरुष की दृष्टि से देखो तब भी विश्व एक ही है। इसमें जितना बीच में द्वैत भाव है, जो जड़ जड़ाद्वैत है, जड़ाद्वैत भी है, वो भी नारायण एक भ्रांत दृष्टि है, और एक चेतनाद्वैत है, ये भी वो भी एक प्रबुद्ध दृष्टि है, और बीच में कार्य कारण का द्वैत है, विशेषण विशेष्य का द्वैत है, नारायण उपाधि उपहित का द्वैत है, ये सब तो बिल्कुल कल्पना मात्र हैं ही नहीं। इसलिए जो इस चक्कर में पड़ जाएगा कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, भगवान ने बिच्छू क्यों बना दिया, मेढक क्यों बना दिए, सांप क्यों बना दिए, अब चिढ़ो और कुढ़ो नारायण। जिसमें जो गुण है वही उसकी विशेषता है, पहाड़ी बिच्छू और नारायण वो काले काले और बड़े बड़े, तो वो सांप जो है महाराज वो काबरा और वो गेहुअन, नारायण कितने जहरीले होते हैं, जाके सांपों के जंतुशाला में देखो हजारों तरह के सांप, गरुड़ पुराण में तो उनका वर्णन करने के लिए एक अध्याय है ऐसा। तो यदि उनकी प्रशंसा और निंदा में लग जाओगे तो तुम अपने आप को भूल जाओगे, दूसरे को देखोगे और अपने आप को भूल जाओगे, और फिर एक असद वस्तु में अभिनिवेश हो जाएगा, और ऐसा अभिनिवेश हो जाएगा उसमें इतने मशगूल हो जाओगे, उसमें इतने गर्क हो जाओगे, उसमें इतने डूब जाओगे कि फिर अपने आप का तो पता ही नहीं चलेगा, बस दूसरों को ही देखते फिरोगे, ये ऐसा ये कैसी ऐसा हो। एक पति पत्नी मोटर में जा रहे थे,
सामने कोई एक स्त्री निकली, तो पति ने पत्नी से पूछा, क्यों देखा, कैसा श्रृंगार किए हुए है? बोल, नहीं नहीं मैंने बिल्कुल नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो? वही जो हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी, और ये जिसको लिपस्टिक लगाने का शऊर नहीं है, हैं? उनका हाँ ठीक है, आपने नहीं देखा, ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो आपने बिल्कुल नहीं देखा। जो महाराज ये सृष्टि है, ये कैसी है कि तैजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन नानार्थ दृक्पुमान। जैसे नारायण अंतःकरण जो है जब स्थूल शरीर से अलग हो करके और बाह्य चेतना से मुक्त हो करके जब भीतर रहता है, तो या तो सपना देखने लगता है जो बिल्कुल होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है और दिखाई पड़ता है सब, अथवा सुषुप्ति दशा में चला जाता है जहाँ कुछ नहीं रहता है। सो बाबा, ये दुनिया में किम भद्रम किम अभद्रम बा द्वैतस्या वस्तुनः कियतो। द्वैत कोई वस्तु ही नहीं है, इसमें क्या कितना अच्छा है क्या कितना बुरा है। वाचोदितम तदनृतम मनसाध्यातमेव च। कहीं पश्चिम मुंह से भगवान की उपासना होती है, बोले पूरा मुंह से करोगे तो पाप लग जाएगा, और कहीं मारा काफिर हो जाएगा, और कहीं पूरा मुंह से भगवान की उपासना होती है, पश्चिम मुंह से प्रातः संध्या नहीं करनी चाहिए। लो, अब पश्चिम अच्छा है कि पूरब अच्छा है? कब पश्चिम और पूरब अच्छा नहीं होता है नारायण, ये तो एक ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। कोई पूरब मुंह करके करता है, कोई पश्चिम करके करता है, वो तो जिसके लिए जैसा नियम है उसको उस ढंग से करना चाहिए। नियम का उल्लंघन वासना से होता है, नियम का उल्लंघन बिना वासना के नहीं होता है। सो नारायण, छाया प्रत्याह वयाभासा यसंतोप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो वयम्। नारायण, छाया प्रतिध्वनि और आभास, छाया से भी काम होता है। हम छोटे थे, बच्चे थे, अपने पितामह के साथ साथ कहीं चलते थे। अब मान लो जेठ का दिन है और धूप बड़ी तेज पड़ रही है, तो हमारे बाबा क्या करते कि जिधर उनकी शरीर की छाया पड़ती थी उधर हमको ले चलते थे पकड़ के, कि हमको धूप न लगे। काम होता है, छाया से काम होता है। तो छाया में कोई वजन होता है? उसकी कोई लंबाई चौड़ाई होती है? उसकी कोई उम्र होती है? कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन धूप से बचाती है। वृंदावन में तो कहते हैं कि एक दिन श्याम सुंदर नारायण गायों के पीछे पीछे जा रहे थे, सो गौएं कुछ आगे निकल गईं, और उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ उनकी प्यारी वस्तु है, सो उस पर लटक गए और छाया कर दिया कि इसको धूप न लगे। अब ललिता सखी ने दूर से देखा कि यहाँ श्याम सुंदर लटके हुए क्यों हैं। वो गई महाराज, जाके देखा तो वहां तो राधा रानी के चरण के चिन्ह थे धूल पर। अब उस धूल पर सूर्य की गर्मी न पड़े इसके लिए श्री कृष्ण अपने शरीर की छाया करके स्वयं धूप सह रहे हैं, और चरणों की उस धूल पर धूप न लगे इसके लिए खड़े हैं। अरे हाय रे आश्चर्य, ये प्रेम भी महाराज ऐसे ही होता है। ये प्रेम भी नारायण किसी को स्वाभाविक नहीं रहने देता हो। छाया प्रत्याहवय, प्रत्याहवय प्रतिध्वनि। एक बार मैंने देखा अहमदाबाद में वो कांकरिया तालाब में पानी तो खूब था, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बड़े जोर से कहा चाकू, तो कू की आवाज आ गई हो लौट के। ठीक है, वहां तो कोई काम नहीं सदा, पर काम सत्य मैंने देखा ऋषिकेश में, जहाँ चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है झाड़ियों के पास,
दक्षिणी लोग आए थे दर्शन स्नान करने के लिए, पंडे ने पुकारा बड़े जोर से, लड्डू लोगे की पेड़ा। अब महाराज पहाड़ में से आवाज लौट के आई, पेड़ा। उसने कहा देखो देवता पेड़ा मांग रहा है, चढ़ाओ। पेड़ा लोगे की लड्डू। अब आवाज आई लड्डू, तो बोले ये देवता लड्डू मांग रहा है। अब महाराज वो आवाज में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन पंडा लोग उससे भी अपना काम बना लेते हैं। आभासा हा छाया प्रत्याहया भाषा। एक कोई अफ्रीकन था, वो गया यूरोप में और लंदन में रहने लगा। अब नारायण वहां भले लोगों के रहनी देखी तो एक शीशा उसने भी खरीद लिया, अपना मुंह देखा करे उसमें। अब वो जब घर लौटा तब अपनी सामान में शीशा भी ले आया। अब उसकी पत्नी देखे कि इसकी रहन सहन कुछ अच्छी है, हमको ये पसंद ही नहीं करता। एक दिन सामान देखा उसका तो उसमें मिला शीशा। अब उसने शीशे को जब अपने आंख के सामने किया तो उसमें वही दिखने लगी, तो बोली वो हो ये कोई औरत होगी वहाँ हमारे जैसी, इसको इसने रख लिया होगा इसलिए अब हमसे प्रेम नहीं करता है। अब वो तो नाराज हुई महाराज और चली गई अपने मायके, और मायके चली गई तो बाप ने भी कभी शीशा नहीं देखा था। उसने कहा हमारी लड़की क्यों चली आई, सामान देखा तो वो महाराज बुढ़ा दिखा उसमें, बोला अरे हमारी लड़की कहीं किसी से फंस गई है। वो भी नाराज हुआ लड़की से। अब उसने वो शीशा रख लिया अपने सामान में। अब उसकी जो पत्नी थी वो सोचने लगी हमारा बुढ़ा आजकल नाराज क्यों रहता है। अब वो महाराज शीशा लेके देखे, अरे इसने कोई बुढ़िया रख लिया है। अब महाराज सारे घर में झगड़ा। जब उसने बताया कि ये बात है, देखो ये शीशा है, जो दिखता है वही इसमें दिखता है, तो ये वस्तु कोई नहीं होती। शीशे में न तो अपना प्रतिबिंब अपना आभास न तो पैदा होता है और न तो प्रवेश करता है, न उसका वजन होता है, न उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। वो जहाँ नहीं है वहाँ दिखता है, लेकिन नारायण उसके द्वारा भी काम चल जाता है। एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्यु तो भयम्। इसी प्रकार ये जो देह आदि पदार्थ हैं, हमारे देह हैं, इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं नारायण, ये अपने स्वप्रकाश चैतन्य अधिष्ठान में है नहीं बिल्कुल, लेकिन इनमें जब हमारा मैं हो जाता है, अहम भाव हो जाता है, तो मौत तक का भय आता। अरे देह मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे ये देह कोई मैं थोड़े ही है। मैं पहले मरने को बहुत डरता था, 17-18 बरस की उम्र में सोचा ये महात्मा लोग हमको मरने से बचा देंगे। और जब महात्माओं के पास गया महाराज, उन्होंने कहा कि मौत तो जब होनी है तो होगी, उससे तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन जो मौत का डर तुम्हारे मन में बैठा हुआ है उसको हम मिटा सकते हैं। कुंभे विनश्यति चिरम समवस्थिते वा कुंभाम्बरस्य नहि कोऽपि विशेषलेशः। ये घड़ा जो है ये चाहे आज फूट जाए चाहे बहुत दिनों तक रहे, इसमें जो आकाश है उसमें मरने और जीने की कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ये शरीर नारायण आज ही जाए कि हजारों बरस के बाद जाए, इससे कोई फर्क अपने आत्म चैतन्य में परमात्मा में नहीं पड़ता है। सो बाबा दुनिया में बहुत फंसने का नहीं है। प्रत्यक्षेणानुमानेन प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्म संविदा आद्यंतवद सज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि देखो हम देखते हैं प्रत्यक्ष, घड़ा फूट जाता है, ठीक है मिट जाता है घड़ा, ऐसे ही घड़े की तरह तरह शरीर मिट जाते हैं। बोले भाई घड़ा तो मिट जाता है लेकिन पृथ्वी तो रहती है। बोले अनुमाने न जत सावयवम तद अनित्यम जत दृष्टम तन्नष्टम। जब एक एक कण से बनी हुई है धरती, एक एक अणु से बनी हुई है धरती, तो हिस्से वाली होने के कारण, सावयव होने के कारण ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगी, ये अनुमान से सिद्ध होता है। बोले ठीक है धरती मिट जाए परंतु आकाश तो रहेगा। बोले निगमे न
वेद कहता है कि आकाश की उत्पत्ति हुई है और नारायण आकाश का लय भी होता है, तो आकाश भी हमेशा नहीं रहता है। निगमे न का अर्थ है कि जब हम सोते हैं तब आकाश का पता नहीं चलता है, लुप्त हो गया, सुप्त हो गया, गुप्त हो गया नारायण, और जब जागते हैं तब आकाश दिखाई पड़ने लगता है। इसका अर्थ हुआ कि जब मन है तब आकाश है और जब मन नहीं है तब आकाश नहीं है, तो मन की उपाधि से ही आत्मा में आकाश दिखाई पड़ता है। बोले अच्छा भाई, आकाश भी ना हो लेकिन बीज प्रकृति तो है ना। बोले ना आत्म संविदा, जब ब्रह्मात्मा की एक ब्रह्म प्रकृति है और एक नारायण बीज प्रकृति है, बीज प्रकृति का वर्णन सांख्य दर्शन में है नारायण, और ब्रह्म प्रकृति का वर्णन ब्रह्मसूत्र में है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् आह च तन्मात्रम् कृतस्तु प्रज्ञान घन एव, ये ब्रह्म प्रकृति है। सो नारायण, आत्मानुभूति होने पर प्रकृति की जो पृथकता है वो भी भस्म हो जाती है। इसलिए जत जत आद्यंतवत तत् तत् असत, जगत असत, ये जगत असत है। क्यों? काद्यंतवत्वात्, इसकी आदि है और अंत भी है। जन्नैवम तन्नैवम यथा आत्मा, जिसका आदि अंत नहीं है वो जो है असत नहीं होता। कैसे? कि जैसे आत्मा, तब तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, असंग होकर दुनिया में विचरण करो, कहीं अपने को फंसाओ मत, कहीं भी अपने को फंसाओ मत, निस्संगो विचरे दिह, सबसे मिलिए और सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव, हाजी हाजी करते रहिए, बैठिए अपने ठाव, अपने घर में ही सोना, अपने घर में ही बैठना, अपने चाहे जहाँ घूम आओ फिर आओ नारायण। अब स्त्री हैं, दिन भर शॉपिंग करने के लिए भले बाजार में जाएं, लेकिन रात को तो अपने घर में आके अपने पति के पास ही सोना चाहिए। बोला अब बाजार में कहीं ना रह जाए हो, यही अपनी चित्तवृत्तियों का अपना यही स्वभाव है। अब महाराज उद्धव जी ने बताया, श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि महाराज एक ही परमात्मा है, वही सृष्टा है और वही सृज्य है, वही बनाता है और वही बनता है, वही भरता है और वही भृत्य है। नारायण वही भरण पोषण करता है और अपने ही भरण पोषण करता है। हृयते हरति ईश्वरः, वही सबका संहार करता है और अपने ही संहार करता है। तस्मात् नह्यात्मनोऽन्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः, निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मने, तस्मात् अन्यस्मात् आत्मनः, ये देह आदि जो परिच्छिन्न पदार्थ हैं इनसे विलक्षण जो आत्मा है, उस विलक्षण आत्मा से अलग कोई दूसरी चीज नहीं है। और ये जो कुछ मालूम पड़ रहा है ये तो जादू का खेल है, आज है कल नहीं रहेगा, अभी है फिर नहीं रहेगा, जागते समय है सपने में नहीं रहेगा, सपने में है जागते में नहीं रहेगा। हो एक दिन राजा जनक ने सपना देखा कि मैं तो गरीब हो गया, भिखारी हूँ और भीख मांग रहा हूँ। 3 दिन तक महाराज कोई भीख नहीं मिली और भूखे रहे। 4th दिन सपने में थोड़ा चावल दाल कहीं से मिला, तो खिचड़ी पकाने के लिए उन्होंने उसको चढ़ाया हंडिया में, उपलों पर, उपले भी मांगे हंडिया भी मांगी, सपने में हो खिचड़ी चढ़ाई। इसी बीच में 2 बैल लड़ते हुए आए और जो खिचड़ी पक रही थी सो फट गिर गई। महाराज आप जनक जी का सपना टूट गया। वो देखे महल में बड़े भारी महाराजा दिरा